शिवानी हूँ और TCL की लाइब्रेरी साउथ एक्स कोटला मुबारकपुर के इंटर्न। तो मैं आपको इस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने पढ़ी और अभी आप भी सुनने जा रहे हैं। तो इस कहानी का नाम है सूमी उड़ी और सूमी। मुझे ये कहानी बहुत मज़ेदार लगी जो कि एक इंसान और एक जानवर के रिश्ते के बारे में है जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से बता रखा है। हालांकि इन दोनों की भाषा बहुत अलग है फिर भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आप भी इस कहानी को सुनिए और इसके मज़े लीजिए। सुमी बुद्धि और सुघी, इसे लिखा है हांसा सौवेंद्र शेखर जिन्होंने इसे ट्रांसलेट भी किया है। ये जो लेखक है वो अक्सर उनकी दुनिया उनके जुड़े कम्युनिटी के बारे में कहानी लिखते हैं और ये जो कहानी है वो सांथाल कम्युनिटी जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड में वहाँ से वहाँ की कहानी है। ये एक आदिवासी कम्युनिटी है और इसी ऑथर का एक और किताब है आदिवासी विल नॉट डांस जो हमारी लाइब्रेरी में भी है। वैसे ये कहानी इलस्ट्रेट किया है सुमी बुद्धि और सुगी इलस्ट्रेट किया है जोआना मेंडिस ने। और पिक्चर देख के क्या लगता है ये डक और इस औरत के बीच का क्या रिश्ता है? पीछे पीछे चल रहा है तो क्या उसे हर जगह फॉलो करता है या वो एक दूसरे को नहीं जानते? आइए देखते हैं स्टोरी में। सुगी हर सुबह सुमी बुद्धि को जगाती है। घर के बाहर मुर्गे बांग दे रहे होते हैं कुकड़ कुकू। घर के अंदर सुमी बुद्धि के कान में सुगी आवाज दे रही होती है क्वैक क्वैक क्वैक। तुम्हारी दोस्त तुम्हें जगाए बिना नहीं मानेगी, मासा हाडम सुमी बुद्धि के पति नींद भरे स्वर से कहा। बिल्कुल, वैसे भी सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, सुमी बुद्धि ने जवाब दिया। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है और फिर राजा यानी आंगन में झाड़ू लगाती है। हुश हुश, सुमी बुद्धि तेजी से झाड़ू फिराती है। उसके पीछे पीछे सुगी अपनी लंबी गर्दन मटकाती हुई चलती है। सुगी जमीन से चींटियां और कीड़ा को चुभती है, यह उसका सुबह का नाश्ता है। घर की छत से शरारती बुटू उन्नीदी आंखों से सुगी को नाश्ता करते हुए देखता है। यह उनका मॉर्निंग का मोमेंट है जहां क्वैक 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 बोलते हुए इसके पीछे पीछे चलती है सुगी और म्याव म्याव करते हुए बुट्टू जो उनका कैट है। झाड़ू लगाने के बाद सुमी बुद्धि एक कोने में पड़े हुए गंदे कपड़ों के ढेर को उठाती है। आज मुझे कपड़े धोने हैं, इन्हें धोने के लिए एक साबुन खरीदूंगी। गांव के एक छोर पर छोटी सी किराने की दुकान है। सुमी बुद्धि उस दुकान तक गई और उसके पीछे पीछे सुगी भी अपनी लंबी गर्दन को मटकाते हुए पहुंचती है। तो ये दिख रहा है कि ये जो डक है वो उसे बहुत पसंद करता है और हर जगह उसके पीछे पीछे चलता है। जोहार, दुकानदार सावन सुमी बुद्धि को नमस्कार करता है। जोहार, सुमी बुद्धि जवाब देती है। आज आपकी दोस्त कैसी है, सावना पूछता है। अच्छी है, सुमी बुद्धि मुस्कुरा कर जवाब देती है। हर रोज की तरह आज सुबह भी इसी ने मुझे जगाया। तो देखकर लगता है उनकी बातों से कि दुकानदार और वहाँ के नेबरहुड के लोगों की कम्युनिटी के लोगों की अच्छी दोस्ती है और सभी जानते हैं इन दोनों की सुमी बुद्धि और सुगी के इस रिश्ते को। और मुझे लगता है सांथाली लैंग्वेज में हलो को जोहार कहते हैं जैसे इन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। सुमी बुद्धि जल्दी से गंदे कपड़े लेकर तालाब की ओर बढ़ती है। उसके पीछे सुगी अपनी चोंच में दो साबुन पकड़े हुए चलती है, सफ़ेद वाला नहाने के लिए भूरा वाला कपड़े धोने के लिए। तालाब पर दो और महिलाएं पहा और मीरू भी कपड़े धो रही हैं। सुमी बुद्धि की दोस्त कितनी काबिल है, मीरू कहती है।
सुमी बुद्धि कपड़े धोती है और सुगी मज़े से तालाब में तैरती है। थोड़ी थोड़ी देर में वह चहक उठती है, सुगी पानी में डुबकी लगाती है और छोटी छोटी कांच की तरह पारदर्शी मछलियों का शिकार करती है। उधर घर पर मासा हाडम यानी सुमी बुद्धि के हस्बैंड ने मछली भुनी है, भात और पुई साग की तरकारी पकाई है। ये एक साग, एक तरीके का पुई साग होता है और वो राइस और मछली का कुछ बना रहे हैं। भुनी हुई मछलियों से गजब की खुशबू आ रही है, मुझे तो खुशबू से भी भूख लग रही है, सुमी बुद्धि बालों पे तेल लगाते हुए कहती है। ये रही, हाँ, बालों पे तेल लगा रही है और खाने के लिए तैयार है। मासा हाडम अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे ही प्याज छीलने लगा तभी बुट्टू जो बिल्ली है वो चुपके से रसोई घर में घुसा। ठहरो, मासा हाडम ने बुट्टू से कहा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बाद में मिलेगा। तो जैसे ही कैट को जब भी फिश का सुगंध भी आ जाता है तो उसके वो पीछे पीछे चला जाता है, राइट, म्याओ। बिल्कुल नहीं, मासा हाडम ने कड़ाई से कहा और प्याज धोने बाहर निकल पड़ा। बुट्टू मिमियाना बंद कर अपने सामने रखी हुई बुनी मछलियों को ललचाई आँखों से देखने लगा, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। आइए इस पिक्चर के एकदम करीब जाकर देखते हैं आगे क्या होता है। ये रहे, किसी को आसपास न देख बुट्टू थालियों की तरह दबे कदमों से बढ़ा और बुनी मछलियों का एक टुकड़ा उठाने की ओर गया। तभी सुगी ने अपनी चोंच से पहले बुट्टू की पूंछ और फिर उसके सिर पर वार किया, टुबुक टुबुक टुबुक। तभी मासा हाडम रसोई में लौटा। दुत, बदमाश बिल्ली, वो बुट्टू पर चिल्लाया, भाग यहाँ से। बस खाना तैयारी हो रहा है और बुट्टू को बहुत मन है कि वो पहले ही खा ले। बुट्टू उदास मन से रसोई से निकलकर छत पर जा बैठा। बुट्टू को उदास देखकर सुगी भी उदास हो जाती है। वह उड़कर छत पर जाती है और बुट्टू के बगल में बैठ जाती है। सुगी अपनी चोंच से बिट्टू को शरीर सहलाती है, उसी चोंच से जिससे उसने उसको चुबुक चुबुक किया जब बिल्ली ने मछली खाने की कोशिश की, वो उसी चोंच से उसे सहलाती है। तो इन दोनों का बीच का रिश्ता भी बहुत ही प्यारा सा है। जरा देखो तो इन दोनों को, सुमी बुद्धि मुस्कुरा कर कहती है, आओ आओ नीचे आओ तुम दोनों। ओह वाह, तो अभी मुझे लगता है खाना इनका तैयार हो गया है, तो हम अपना भोजन शुरू करें। मासा हाडम सुगी और बुट्टू से पूछता है। सुमी बुद्धि और मासा हाडम मछली का एक टुकड़ा बुट्टू को देते हैं। सुगी बात और पुई साग का बोझ उड़ाती है। सभी मज़े से भोजन करते हैं। ये हमने, ये थोड़ा सा रेयर लगा मुझे। हम अक्सर जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम एनिमल्स को दे देते हैं, कुत्ते को बिल्ली के खाना खाने के बाद। पर यहाँ पे अच्छी बात है देखने के लिए कि वो सब साथ में खा रहे हैं, एनिमल्स, उनके दोनों पेट और वो जो फैमिली है वो साथ में खा रही है। इनफैक्ट पहला जो बाइट था, जो उसके वो जो मासा हाडम ने दिया, वो पहला जो मछली का बाइट, वो भी बुट्टू को ही दिया जो कब से वो खाने के लिए तरस रहा था। ये थी कहानी एक तरीके से इंसान और एनिमल्स के बीच की जो दूरियां हैं या भेदभाव है उसे कम कर रही है। इस कहानी से पता चलता है कि कई लोग उनको अपने हिस्से से और उनके साथ प्यार से रहते हैं। तो वैसे ही सुगी की तरह आपको बाय बाय कहती हूँ।